आरुण तहसील में स्वच्छ भारत अभियान को नियमों का पालन नहीं कर रहा है। समय समय पर मीडिया द्वारा खबरें चलाई जा रही है, लेकिन नगर पालिका अधिकारी को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मीडिया का भी मजाक उड़ाते हैं और उन्हें किसी बात का डर भी नहीं है। जब अधिकारियों से बात की जाती है तो सब सरकारी कामों का बहाना बना देते हैं और छुट्टियों का बहाना लेकर काम को टाल देते हैं। इसी क्रम में हम अवगत कराते हैं आपको नगर की गलियों एवं अन्य मोहल्लों की, जहाँ सफाई नाम खानापूर्ति की जाती है, ना कर्मचारी टाइम पर आते और ना सुनवाई होती है। भुजरी तालाब बना कचरे का अड्डा सावन के महीने में, जहां एक जगह मात्र पर भुजरिया छोड़कर सावन मनाया जाता है, जहां सरकार ने लाखों रुपए खर्च कर भुजरिया तालाब का निर्माण किया है, वहीं नगर पालिका ने कचरे का ढेर लगा कर रखा है। भुजरिया तालाब के आसपास कचरे का अंबार है और वहाँ के निवासी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस गंदगी के मारे हमारा घरों से निकलना मुश्किल हो गया है, खतरनाक बीमारी फैल रही है और नगर परिषद इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। लोकेंद्र राजपूत ने जानकारी देते हुए बताया कि मैंने कई बार नगर परिषद को अवगत कराया लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। पूरे मोहल्ले में ऐसा हो जाता है, मन तो यहाँ पूरी जगह गटर खुले हुए हैं, सारे में गटर गटर टूटा हुआ है, यहाँ पानी कहाँ से निकलेगा। समस्या जय श्रीमान जी के भुजलतला है, यहाँ गंदगी देखो सालों से सफाई नहीं होती, ये गटर है, पूरी 8-10 साल से कोई सफाई नहीं, ठस ठस भरी हुई है। और में जो सुइयों में है उन्हें मैंने कई वीडियो बना के डाल दी, कई बार कॉल उठाया ना वीडियो जवाब देते ना कॉल का जवाब देते। और सबसे बड़ी बात यह कि अभी भुजरियों को त्यौहार आ रहा है, तो आरुण की कहाँ भुजरियाँ विसर्जन होंगी? यहीं पर होती हैं,